माघ महात्म 14वां अध्याय। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ सड़क को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य सड़क को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों के नाश होकर थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है, इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले और माघ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रखकर इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। इति 14वां अध्याय समाप्तम।